मैसेज। एंटी रोमियो टीम आज सड़कों पर उतरकर महिलाओं और युवतियों को किया जागरूक। एंटी रोमियो टीम के साथ सीओ सलोनी अग्रवाल ने भी संभाला मोर्चा और सड़कों पर युवतियों को मंचलों से निपटने के लिए उपाय। किसी भी परेशानी की घड़ी में उन्होंने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर सरकार ने बनाए हैं उन पर भी तुरंत कॉल करने के लिए कहा और डायल 100 पर भी कॉल करने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान जितनी भी महिलाएं एंटी रोमियो की टीम की सभी महिलाएं सादे कपड़ों में भी थी और सड़क पर जा रही लड़कियों और रिक्शा में जाए लड़कियों को रोक कर उनको जागरूक किया। पेश है रामपुर से मुजासिर खान की एक खास रिपोर्ट। आज हम लोग इस बात के रोड पे महिला और बच्चियाँ जो यहाँ से निकल रहे हैं उनको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आपको अगर कहीं आप कोचिंग जा रहे हैं, किसी मॉल पे जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, कोई आपको लड़का कमेंट पास करता है या आपको ऐसा माहौल लगता है कि आपको अनसेफ फील हो रहा है, तो आप इसकी शिकायत एंटी रोमियो पर कर सकते हैं। और साथ ही आप 1090 जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है वहाँ भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। मतलब हम लोग आपको सुरक्षा का एहसास कराना चाह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। तो कब तक चलेगा आपका ये अभियान? चलता रहेगा, ये लगातार प्रोसेस है। एंटी रोमियो पर नंबर है आज सुबह किस टाइम से स्टार्ट हुआ था, कब तक खत्म हुआ? ये हमने आज सुबह 9 बजे स्टार्ट किया था, इसी चौराहे से स्टार्ट किया है और अभी भी अभियान चल रहा है। पूरे शहर में रहेगा, जिले में पूरे शहर में चलता रहेगा। इसमें हमने पॉइंट डिसाइड किए हैं कि जो मेन जहाँ पे हत्या है या संभावना है वो हमारे पहले प्रायोरिटी में है।